तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद शावरिका। सो एक क्विक इन्फॉर्मेशन देना था रिलेटेड टू बीपीएससी। तो ऑल दोज कैंडिडेट्स जिन्होंने 8th of May 2022 को एग्जाम दिया था बीपीएससी का, दैट इज बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, और वो पेपर हम सबको पता है कि कैंसिल हो चुका था। तो उसका जो री एग्ज़ाम का जो डेट है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा टसल हुआ, बट अभी एक डेट फाइनली सामने आया है, पर उस पर भी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं है आयोग। बट द डेट इज 20 and 22 September। येस, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि दो शिफ्ट में एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा। क्योंकि ऐसा हो रहा है क्योंकि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है वो 6 lakhs के भी ऊपर है, एंड निजी स्कूल एंड कॉलेजेस, दैट इज प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस में एग्जाम को कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ये एग्ज़ाम पेपर लीक होने का मतलब चीज़ें हो चुकी है ऑलरेडी पास्ट में। सो द न्यू बोर्ड, जो न्यू चेयरमैन आया है, वो कभी इस बात का रिस्क नहीं लेंगे। दैट्स वाई पेपर विल बी कंडक्टेड इन टू फेजेस, एंड ऐसी बातें चल रही है, इट्स नॉट कन्फर्म येट, बट हमें तैयारी जारी रखना है एंड हमें हार नहीं मानना है, क्योंकि एग्जाम तो ज़रूर होगा एंड मोस्ट प्रोबेबली दुर्गा पूजा, दैट इज दशहरा के पहले इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा लिया जाए। बट इस एग्ज़ाम में एक कैच होगा अगर ये दो फेज में हो जाए, क्योंकि अगर मान लो 20th September को जिनका पेपर होगा, क्या पता जो 22nd September में जिनका पेपर हो उनसे उन्हें पेपर इजी मिल जाए। मतलब कि दोनों पेपर में जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो कितना हद तक मैच करा पाएगी बोर्ड, ये तो देखने लायक होगा। बट इनजस्टिस हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के साथ, बट देखते हैं कैसा क्या रहता है। आई होप कि पेपर एक ही डे में कंडक्ट कराया जाए। होप सो कि वो लोग ज़्यादा स्टेट्स, मीन्स एक ऑल्टरनेटिव के तहत यूपी एंड झारखंड जैसे स्टेट्स को भी थोड़ा कंबाइन करके एक ही दिन में सारे जगह वो एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते हैं। इट्स जस्ट अ सोल्यूशन, बट पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं। सो देखते हैं आगे क्या होता है, बट ये क्विक इन्फॉर्मेशन था टू ऑल, फॉर ऑल दोज जो बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट एस्पिरेंट, एंड लेट्स क्रैक इट टुगेदर।